हिसार लोकसभा से बीजेपी का टिकट न मिलने पर कुलदीप बिश्नोई सामने आए। विधायक बेटे भव्य बिश्नोई के नाराजगी भरे ट्वीट के बाद कार्यकर्ताओं को मायूस न होने की नसीहत दी और कहा कि लोकसभा टिकट कटने से हरियाणा के साथ ही राजस्थान के कार्यकर्ताओं में मायूसी है। समर्थकों के फोन भी आ रहे हैं लेकिन मायूस होने की जरूरत नहीं है क्योंकि जिंदगी बहुत लंबी है। अभी वक्त है कि हरियाणा की सभी 10 सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों को जिताकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत किया जाए। 10 के 10 लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मेरे तमाम जो हरियाणा के साथियों से प्रार्थना करता हूं कि बढ़ चढ़कर आप इन सभी साथियों का साथ दें, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे भारतवर्ष को बुलंदियों पर लेके जा रहे हैं और हमने सबने मिलके हमने क्या हर हिंदुस्तानी का कर्तव्य दायित्व ये बनता है कि हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करें। मेरे पास कल से बहुत लोगों के फोन आ रहे हैं, मायूसी है, मेरी उन सबसे प्रार्थना है कि हमें मायूस नहीं होना है, अभी जिंदगी बहुत लंबी पड़ी है। आज हमारा प्राथमिकता हमारा देश होना चाहिए कि देश कैसे आगे बढ़े और देश आगे तब बढ़ेगा जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करें। इसलिए 10 के 10 लोकसभा क्षेत्र और राजस्थान के भी जो मेरे साथी हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि हमें अपना आपा नहीं खोना। हमने भारतीय जनता पार्टी के साधारण कार्यकर्ता के रूप में हमें पार्टी के लिए काम करना है, मजबूती देनी है और सभी प्रत्याशियों को चाहे वो हरियाणा का है चाहे वो राजस्थान का है उनको मुझे बनाने में अपना योगदान देना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।